We used to be solid, not falling apart. Things never not okay when you were mine. You used to be honest, not pulling my heartstrings. Every other day you change your mind. Cause when you're high, you call me like a... हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में अपने किचन काउंटर टॉप का ऑर्गेनाइजेशन और मेकओवर शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपकी किचन भी छोटी है, स्मॉल काउंटर टॉप है, तो आप अपने किचन काउंटर टॉप को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, डेकोरेट करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस भी मिल जाए और आपकी किचन भी सुंदर लगे। तो आज मैं आपके साथ में बहुत सारे DIY's के साथ साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो अभी मेरा किचन काउंटर टॉप कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, तो मैंने इसका सारा सामान यहाँ से हटा के इसको क्लीन कर लिया। ये एक DIY क्लीनर है जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी मैंने अमेज़ॉन से ये 2 tier रैक मंगवाया है, मेटल का है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी लग रहा है। तो आज मैं इससे ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ अपने किचन को, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट DIY। तो मेरे पास ये कार्डबोर्ड का एक बॉक्स पड़ा हुआ था, जो कि मेरे मोबाइल का डिब्बा है, बॉक्स है। तो हम कुछ कलर स्टेंसिल और ये स्पॉन्ज की मदद से इसमें कुछ पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। आपके पास स्पॉन्ज नहीं है तो किसी भी नॉर्मल स्पॉन्ज से भी कर सकते हैं। और देखिए एक नॉर्मल सा मोबाइल का जो डिब्बा है, कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना के अपने घर में कहीं पर भी आप इसको इस ऑर्गेनाइज़र से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बनके ये रेडी हो गया। इस पे मैं वार्निश कर रही हूँ ताकि इसका जो कलर है, पेंट है, वो सिक्योर रहे, क्योंकि हम इसको किचन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ना कोई भी कलरफुल कंटेनर्स अभी तक मैंने ख़रीदे नहीं थे, तो ये छोटे छोटे जो स्पाइसेस जार्स हैं ये रखे हुए थे, जो कि बहुत सिंपल हैं, तो दिखते ही नहीं है किचन में रखे हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको रिवैम्प करके कुछ नया किया जाए, कुछ नए कलरफुल कंटेनर्स बनाए जाएँ। तो मेरे पास ये वॉलपेपर रखा हुआ था, मैंने इसको इसके चारों तरफ इस तरीके से स्टिक किया और देखिए कितना सुंदर ये लगने लगा। और इसके ऊपर मेरे पास ये कुछ वुडन बीड्स थे, तो इसको हम स्टिक करने वाले हैं। इसके ऊपर फैविबॉन्ड की मदद से इससे बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है, कि अगर आप मार्केट से इस तरह का खरीदेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आएगा। तो इस तरीके से रिवैम्प करके आप पुरानी चीज़ों को ही एक नया रूप दे सकते हैं। मैं इसमें इसको सिक्योर करने के लिए मैंने मैं इसमें लगा रही हूँ मॉच पॉच ग्लू। तो देखिए, और इसके जो ये एक बहुत खूबसूरत सा क्यूट सा कंटेनर बनके रेडी हो गया। इसी तरह से मेरे पास एक ही सेरेमिक की ट्रे पड़ी हुई थी, जो ऐसे ही आई थी जब मैंने ख़रीदा था। तो इसको भी रिवैम्प करने वाले हैं, इसको भी कुछ नया लुक देने वाले हैं। इस पर मैंने किया है गोल्ड एनामल पेंट, और देखिए पेंट होने के बाद में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और जो वॉल स्टिकर है उसको मैंने कट कर लिया और इसके सेंटर में कुछ इस तरीके से मैं इसको प्लेस कर दूंगी। तो एक मेरी खूबसूरत सी ट्रे बनके रेडी हो गई, एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया। और कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके सेंटर में मैंने कर दिया है वार्निश को। और मेरे पास अभी मैंने किचन को ऑर्गेनाइज़ जब मैंने किया था, सारे कंटेनर्स निकले थे, तो ये कंटेनर्स को मैंने रख लिया था। मैं सोचा था कुछ ना कुछ DIY करूँगी, तो मैं इस पर जैसो अप्लाई कर रही हूँ और इसको एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं हम। और जैसो के बाद में जो भी कलर अप्लाई करते हैं और स्पॉन्ज से करते हैं तो एक अच्छी सी फिनिशिंग आती है। और जो दूसरा कंटेनर है उसमें 2 कलर मिक्स करके मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने पुराने कंटेनर्स को रीयूज़ करके एक नया लुक दे सकते हैं, एक अच्छा ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। और मेरे पास एक ये डॉकोपाच पेपर रखा था, तो मॉट पॉच ग्लू की मदद से ही मैंने इसको इस तरीके से स्टिक कर दिया। पूरे डिब्बे पर जगह जगह मैं इसको स्टिक कर दूँगी और मॉट पॉच ग्लू से इसको सिक्योर कर दूँगी। और जो दूसरा कंटेनर है इस पर मैंने ऐसे ही रैंडमली एक डिज़ाइन ड्रॉ कर ली। तो आप अपनी मर्ज़ी से अगर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, मुझे यही समझ में आया। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये अब DIY होने के बाद में। और इसको सिक्योर करने के लिए, कलर को सिक्योर करने के लिए मैं इस पर लगा रही हूँ वार्निश, जो कि लोकल वार्निश है। इसी तरीके से ये एक हैंड वॉश की बॉटल है, इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ DIY करके। तो इसको भी मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर लिया। और ये डिज़ाइन होने के बाद में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। प्लेटफॉर्म पे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और इस पे कर दिया है वार्निश ताकि इसका कलर उतरे ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने काउंटर टॉप का ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह लीजिए मेकओवर। तो ये जो मैंने 2 tier रैक है, मैंने यहाँ पे इसको अरेंज किया है कॉर्नर में ताकि यहाँ पे मेरा काफ़ी सारा ज़रूरत का सामान आ जाए। अगर आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र लेते हैं तो आपका काफ़ी सारा सामान उसी में आ जाता है, आपका काफ़ी सारा स्पेस बच जाता है। यहीं पे मैंने अपने तेल घी को रख लिया और ये जो ऑर्गेनाइज़र बनाया है इसको भी मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ और इसमें मैंने पॉलीथीन से कवर कर दिया अंदर ताकि इसमें अंदर से ये गंदा ना हो, साफ़ किया जा सके क्योंकि मैं अपने ऑयल की बॉटल्स इधर रख रही हूँ। और इसको भी मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ही रखने वाली हूँ। देखिए कितना बिल्कुल नया लुक आ गया, बहुत सुंदर लग रही है ये। और इसको मैंने रखा है गैस के जस्ट बगल में और यहाँ पे मैंने कुछ रखे हैं अपने माउथ फ्रेशनर। तो आप कुछ भी चीज़ें इस तरह से अपनी पुरानी ट्रेस को एक नया लुक दे सकते हैं। और यहीं पे मैंने अपने ऑनियन गार्लिक का एक कंटेनर रखा है। आर्टिफिशियल प्लांट को ऐड कर लिया क्योंकि यहाँ पर कम रोशनी आती है और लाइव प्लांट्स जी नहीं सकते, सर्वाइव नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स का यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने एग्जीबिशन से ख़रीदे थे और ये जो बैल देख रहे हैं ये सिक्किम से ली हुई थी, तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो इसको मैंने यहाँ लगा लिया और कुछ मेरे पास फेरी लाइट्स पड़ी हुई थी तो मैं इसको पीछे इस प्लांटर के पीछे लगा दिया। और हॉप के जस्ट बगल में मेरे ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको रख दिया और एक कांच की बॉटल में मैंने लाइव प्लांट्स रख दिए क्योंकि इस साइड में रोशनी काफ़ी ज़्यादा आती है। और विम बार को हटा के मैंने ये विम लिक्विड रख दिया इसके अंदर डाल के और जो फोक और स्पून थे, स्पैचुलास थे, उनको सबको इस तरह से अरेंज कर दिया। इसी तरीके से इसके जो ऊपर वाला जो शेल्फ था जो कि ओपन था वहाँ पर मैंने DIY कंटेनर्स को रख दिया जो कि अब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और मेरे पास ये एक कैटली का सेट था, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा है ये और काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा कलरफुल है तो इसको यहाँ अरेंज कर दिया। और इसी तरीके से मेरे पास एक ये DIY प्लांटर था, मैंने बनाया था, तो इसको मैंने सिंक के जस्ट बगल में रख दिया। इस तरह के हुक्स आपको मार्केट में और या ऑनलाइन काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप दीवार में छेद नहीं करना चाहते तो इन हुक्स का यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट्स के साथ में ये प्लांटर लगाया हुआ था तो इसमें मैंने डाल दिए कुछ कलरफुल स्टोन। इस तरह से ये जो प्लांटर्स होते हैं काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, 40 to 60 रुपीज़ के अंदर के मिल जाते हैं। तो आप इनसे अपने घर को अच्छे से कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने, क्योंकि मैं वास्तु को थोड़ा सा मानती हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये रॉक सॉल्ट रखा है कांच के बाउल के अंदर और कुछ अपने इम्पॉर्टेंट नोट्स जो मैं बिल्कुल सामने मुझे दिखते रहें तो वुडन क्लिप्स की हेल्प से मैंने यहाँ लगा दिए। इन नोट्स को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ। और एक मैंने DIY पिछवाई आर्ट बनाई थी जो कि बहुत ही पसंद है मुझे। इसका DIY मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो इसलिए मैंने शेयर नहीं करा, तो उसको मैंने यहाँ पर प्लेस करा है। तरीके से छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू अपने किचन स्पेस को, काफ़ी सारा स्पेस को बचा सकते हैं। एक ही जगह पे आपका काफ़ी सारा सामान आ सकता है। हॉप के जस्ट बगल में मैंने ये ऑर्गेनाइजर्स रखे हैं, ये भी बहुत कलरफुल लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं काउंटर टॉप पे। यहीं पे मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह कट करती हूँ तो मैं यहाँ से इजीली इनको ले सकती हूँ। ऊपर जो शेल्फ था पहले कुछ इस तरह का लग रहा था, अब ये काफ़ी कलरफुल, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो जब चीज़ें सामने अच्छी दिखती हैं, ऑर्गेनाइज दिखती हैं, सुंदर तरीके से रखी हों, डेकोरेट की हों, तो आपका काम करने में भी मन लगता है और आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो हमेशा किचन को ऑर्गेनाइज और डेकोरेट करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और ये भी एरिया देखिए, ये भी पार्ट कितना ज़्यादा सुंदर बन गया। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप अपनी लाइफ को रिलेट कर सकते हैं और मैं लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।